सब कुछ बिखर चुका था। मुझसे बहुत ही उखड़े उखड़े से रहते थे, हर तो और ये किसी और स्त्री को आकर्षित होने लगे। तो आइए और जुड़ जाइए आचार्य श्री सतीश अवस्थी जी, सिद्ध ज्योतिष गुरु, विश्व के एकमात्र वॉइस रीडर हैं। यूट्यूब पर जाकर के टाइप करना है आचार्य सतीश अवस्थी। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने लाइफ को सर्व सुलभ करने का, आपके जीवन में प्रेम भरने का, आपके रिलेशनशिप, आपकी पारिवारिक लाइफ को सुव्यवस्थित करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको प्रसन्न किया जाता है, आपको आनंदित किया जाता है, आपको सर्वश्रेष्ठ करके आपके अपने जीवन को सर्वसुलभ किया जाता है। जब आपके जीवन में कोई सहायता करने वाला, कोई सहायक नहीं होता, कोई बंधु, सखा, सहायक, माता पिता, आसपास कोई नहीं दिखता, उस समय लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्रेम भरने का एक अद्भुत साधन है। आज मैं बात कर रहा हूं कि दिन रात आपका पार्टनर आपकी ही याद में कैसे रह सकता है। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका पार्टनर दिन रात आपको ही याद करे, ये सौभाग्य शायद देवताओं को मिलता है, ये सौभाग्य शायद स्वप्न में देखने को मिलता है, इस प्रकार का सौभाग्य शायद किताबों में, पिक्चरों में, फिल्मों में देखने को मिलता है या कहीं दूर सुनने को मिलता है। आज वो तुम्हारे जीवन में हो सकता है, आज तुम्हारा जीवन उसी प्रकार का हो सकता है जैसा तुमने कल्पना की थी। काल्पनिक जीवन को आज साकार करने का अद्भुत संयोग आपके सामने परोस रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा टोटका, एक ऐसा विधान, एक ऐसी पूजा, एक ऐसा ढंग, एक ऐसा सरल उपाय जिसको तुम चुटकी बजा के कर लोगे और आपका पार्टनर दिन रात आपके ही गुणगान करेगा, सिर्फ आपको याद करेगा। जितना आप याद करते हो, जितना आप उसे चाहते हो, जितना आपके मन में उसके लिए आकर्षण है, उससे कहीं ज्यादा उसके दिल दिमाग में आपकी छवि बैठ जाएगी। वो वही करेगा जो तुम चाहोगे और पूरे प्रेम के साथ। आपको जानकर यह बहुत आश्चर्य होगा कि यह कोई फालतू का टोना या जादू मंत्र नहीं है, यह कोई ऐसी चीज नहीं कि जो छड़ी होगी, थोड़े दिनों के लिए होगी, फिर खत्म हो जाएगी। यह सर्वसुलभ है, यह हमेशा के लिए है, यह जीवन पर्यंत के लिए है, लाइफ टाइम ऐसा ही रहने वाला है। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी कोई ब्रेकअप नहीं होने वाला। अगर आपकी लाइफ में बार बार ब्रेकअप होता है, बार बार लोग छोड़ के जाते हैं, आपको समझ नहीं पाते, आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपके लिए मिसकंसेप्शंस रखते हैं, तो भी आज का दिन आपके लिए है। आज का दिन इतना बेहतरीन होने वाला है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं उस पर हम वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि जब तक तुम उस बात को समझोगे नहीं, जब तक उस विषय को पूरी तरह से जान नहीं लेते, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप उस सब्जेक्ट को सही तरीके से अपने जहन में उतार पाएंगे। प्रेम एक ऐसा अद्भुत संयोग है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, वेदों में लिखा है कि भगवान भी, ईश्वर भी पृथ्वी पर जन्म लेता ही प्रेम के लिए है। उसे भी तो प्रेम चाहिए, उसे भी अपने जीवन में प्रेम की आवश्यकता होती, इसलिए वो इस धरा पर वापस आता है, क्योंकि पृथ्वी प्रेम का प्रतीक है। तभी तो श्रावण में, बरसात में देखो कैसी सराबोर होती है पृथ्वी, कैसा रंग रोगन होता है, कैसे कोपल पत्तियां, नई पत्तियां, नाजुक पत्तियां दिखने लगती हैं, कितनी सौंदर्यता दिखती है पृथ्वी पे।
क्योंकि पृथ्वी और आकाश के मिलन का समय है ये। आकाश सराबोर करता है पृथ्वी को। तो खैर हम उस बात पर बहुत नहीं जाते, आज हम कह रहे हैं कम शब्दों में शॉर्टकट तरीके से कि अगर आपके अपने जीवन में सिर्फ तुम प्रेम करते हो, सिर्फ और सिर्फ इस प्रेम को अकेले आप खींच रहे हो, तो बस आज ऐसा हो सकता है कि दिन रात 24 घंटे हर पल हर क्षण बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम्हारे दिल में होता था, जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम प्रेम करते हो, जितना तुम्हारा आकर्षण है, जितना तुम लविंग हो, जितना तुम केयरिंग हो, जितना तुम समर्पित हो उसके लिए, उतना ही वो क्यों नहीं? और अगर नहीं तो आज के बाद हाँ वैसा ही। ये ऐसा संयोग, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा अद्भुत टोटका है जिसके करते ही आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा, और आपके ही क्यों, सीधा आपके प्रेम के जीवन में, जिसे आप प्रेम करते हो, जिसे आप चाहते हो। अब वो चाहत वाला व्यक्ति चाहे तुम्हारा जीवन साथी हो, चाहे तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे वो तुम्हारा कोई पार्टनर हो या तुम्हारे घर का कोई सदस्य हो, जिसे आप प्रेम करते हो, जिसे आप चाहते हो। प्रेम का कोई रूप नहीं होता, प्रेम का कोई आकार नहीं होता, प्रेम का कोई भी स्वरूप नहीं होता, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। ये ढाई अक्षर का शब्द भगवान बनाता है, रामकृष्ण सब ढाई अक्षर में आए हैं, यहां सबने ढाई अक्षर लगाए अपने नाम में सिर्फ प्रेम की वजह से। प्रेम अमल या भक्ति का नाम है, प्रेम शाश्वत सत्य है, प्रेम वास्तविक सत्य है। सब कुछ नश्वर है, सब नष्ट हो सकता है, इंसान नष्ट हो सकता है, धन नष्ट हो सकता है, मकान नष्ट हो सकता है, नाम नष्ट हो सकता है, यश नष्ट हो सकता है, पढ़ाई लिखाई नष्ट हो सकती है, आपका दिमाग नष्ट हो सकता है, जो भी कुछ तुमने पढ़ा था जाना था वो सब भूल सकते हो, लेकिन प्रेम शाश्वत है, प्रेम नहीं नष्ट होता। प्रेम जानवरों को भी समझ में आता है, प्रेम पशुओं को भी समझ में आता है, प्रेम पक्षियों को समझ में आता है, प्रेम अबोधों को समझ में आता है, प्रेम तो उनको भी समझ में आता है जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो कह नहीं सकते, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते, उनको भी प्रेम समझ में आता है। सखी पतंग जलता है लेकिन, सखी पतंग जलता है लेकिन, संग संग दीपक जलता है, तो भाई दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। प्रेम जब दोनों तरफ पले, दोनों तरफ बराबरी में हो, तो उसकी बहुतायता बढ़ती है, उसका आनंद बढ़ता है। तो मैं साझा कर रहा हूं वो उपाय, इसके लिए आपको चाहिए एक धतूरा और 5 प्रकार की तिलक लगाने की सामग्री। बस ये सामग्री आपको आपके प्रेम के साथ कंप्लीट जोड़ देगी और बराबर में खड़ा करेगी। धतूरे को आपको 5 तिलक लगाने वाली सामग्रियों के साथ लपेटना है और भगवान शिव को चढ़ाना है, काम सिर्फ इतना है। अब वो सामग्रियां कौन सी, उसे ध्यान से सुन लीजिए। आपको इसके लिए चाहिए रोली, उसके लिए हल्दी, अष्टगंध, सिंदूर और चंदन। ये 5 चीजों का मिश्रण बनाइए, उस मिश्रण को धतूरा समझते हो ना, धतूरा यानी जो जिसमें कांटे कांटे जैसे होते हैं, आपको नीचे दिख जाएगा एडिटिंग में, आपको दिखाया जाएगा धतूरा। तो धतूरे को आप पूरी तरह से ओत पोत कर ले, यानी उसको लपेट दे पूरा, खूब नहला दे अच्छी तरीके से सामग्री के साथ, और अपने ही हाथों से करें ताकि ये आपकी आगे की भाग जो है वो उसमें रंग जाए रंगते समय, क्योंकि यहां पर अग्रभाग में जो हस्तरेखा को समझते हैं उनको शायद समझ में आएगा, यहां पर कुछ रेखाएं हैं, यहां पर इन रेखाओं में कुछ बना हुआ है, शंख चक्र पद्म गदा बहुत सारी चीजें बनी रहती हैं, इनको देखकर आपका फ्यूचर, आपका भविष्य निर्माण किया जाता है और उसके बारे में जाना जाता है, तो उन सब चीजों पर फर्क पड़ेगा। वो सारी की सारी सामग्री वहां लग रही होगी जो आप भगवान शिव के लिए तैयार कर रहे हैं। सारा कुछ लगाने के बाद भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है और एक बहुत सुंदर मंत्र बता रहा हूं, उसका आपको जाप करते हुए चढ़ाना है। इस मंत्र को बोल के भगवान शिव पर यह वस्तु चढ़ा दें। क्या क्या वस्तु? ये धतूरा, ये 5 प्रकार के तिलकों को उसके ऊपर लगा करके भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर रखना है, और रखते समय अपने मन में भावना ये रखनी है कि मेरा प्रेम जो है, मुझे जो चाहने वाली या चाहने वाला है, वो 100% मेरा पति, मेरा पत्नी, जो भी आपका अपना सामने वाला है, उसके प्रति आपका सद्भाव बढ़े, बुराइयां नहीं,
खराबी नहीं, कमियां नहीं, सद्भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, कि मेरा प्रेम उनकी तरफ बढ़े, वो मुझे बहुत प्रेम करें, दिन रात 24 घंटे सिर्फ हमारे बारे में सोचे, हम दोनों एक दूसरे के बारे में चिंतन करें, हम दोनों एक दूसरे के हो जाएं, ऐसी कृपा करो भोलेनाथ। ऐसा कहकर आपको उनको रख देना है उनके ऊपर, और एक मंत्र बोलना है। मंत्र अघोर तंत्र का है, इसको करने के लिए बहुत श्रद्धा और विश्वास चाहिए, गुरु का आदेश चाहिए, पूरा आपका समर्पण चाहिए। यह मंत्र त्वरित काम करता है, बोलते ही आपके मुंह से निकलते ही ब्रह्मांड में फैलता है और एक अद्भुत शक्ति क्रिएट करता है। इस मंत्र को बहुत ध्यान से करिएगा, ये बहुत चमत्कारी मंत्र है और बहुत 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 ज्यादा लाभप्रद है। ओम हुम 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 धीम नमः शिवाय, हुम 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 धीम नमः शिवाय। ये मंत्र बोल करके आप उसमें जैसे ही रखेंगे, आप विश्वास मानिए 90% बार देखा गया है कि इसको रखते ही फर्क पड़ता है। इधर आपने कनेक्शन जोड़ा, उधर लाइट जल गई, इतना चमत्कारी है ये। पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ करना, सोमवार प्रदोष, गुरुवार शुक्रवार के दिन किया जा सकता है ये। इसे करने के लिए सुबह दोपहर शाम रात कभी भी किया जा सकता है, जिस दिन करें उस दिन पूरी तरह से सात्विक सहज सरल और शुद्ध रहने की कोशिश करें। दुर्विचार दुर्विशन अपने से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करें। बाकी भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन में बहुत सारा प्रेम भरे, आप खुश रहना, मुस्कुराना, खूब पानी पीना, अपने को सुंदर बनाना, बाकी तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ में है। भगवान शिव आप पर खूब सारा प्यार बरसाए। नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।